बहुत ही सिंपल सा एक रेसिपी, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट होता है। अरबी के पत्ता बंगाली स्टाइल में कैसे बनाते हैं, चलिए रेसिपी देख लेते हैं। नमस्ते, मैं शौर्बानी, सहजे सुस्वादु किचन में आपको हार्दिक स्वागत है। इसके लिए हम ले लिए हैं 150 ग्राम अरबी के पत्ता। ये कच्ची पत्ता होता है, इसको पहले धो के लेना पड़ेगा, इसके बाद इसे काट कर लेंगे छोटा छोटा टुकड़ा में। काटने के पहले इसे धोने से हाथ में खुजली नहीं होगा। ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है, कैंसर को प्रिवेंट करता है। इसके अंदर विटामिन ए बी सी ई रहने से इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। अब पत्ते को कढ़ाई में दे के, नमक दे के, ढक्कन दे के 2 मिनट लो फ्लेम में रख के देखना पड़ेगा इससे पानी निकलते क्या नहीं। अगर पानी निकले तो ठीक है, नहीं निकलने से थोड़ा सा पानी इसमें स्प्रिंकल करके दे के फिर से ढक्कन दे के ये बॉयल होने तक अपेक्षा करेंगे। अरबी के पत्ते के अंदर विटामिन सी विटामिन ए रहता है अच्छा अमाउंट में, इसलिए आंखों के रिलेटेड बीमारी जैसे कैटरक्ट, मायोपिया, ब्लाइंडनेस इसको प्रिवेंट करता है। पत्ता बॉयल हो गया है, अब इसके अंदर का पानी निकाल लेंगे। अरबी के पत्ते के अंदर डाइटरी फाइबर रहता है, मेथियोनिन अच्छा अमाउंट में रहता है, इसके लिए ये कोलेस्टेरॉल लेवल को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। इसके अंदर का पानी को स्क्वीज करके निकाल देने से गले में खुजली नहीं होगा। एक साबुत लहसुन क्रश कर लेंगे। कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के 1 बड़ा चम्मच, 2 सूखा मिर्च दे के, लहसुन दे के 1 मिनट भून के इसमें पत्ते को ऐड करेंगे। पीके पत्ते के अंदर हाई प्रोटीन रहता है, फैट कम होता है, फाइबर ज़्यादा रहता है, ये सब कारण से ये वेट रिडक्शन में भी मदद करता है। इसमें नमक नहीं डालेंगे क्योंकि बॉईल करने के वक्त नमक दिया था। हल्दी 1/2 छोटा चम्मच, 2 से 3 हरे मिर्च, हरे मिर्च ज़्यादा देने से भी खुजली नहीं होगा गले में। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में लाने में ये मदद करता है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है जो हमारा शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अरबी के पत्ते आयरन में भरपूर होता है। 1/4 चम्मच चीनी, आयरन के साथ फॉलिक एसिड रहता है और विटामिन सी रहता है। फॉलिक एसिड और विटामिन सी दोनों ही आयरन एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। 1/2 नींबू के रस दे के मिला लेंगे 1 मिनट, इसके बाद फ्लेम को बंद करेंगे। नींबू का रस देने से गले में खुजली होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। चावल के साथ या रोटी के साथ इसे खाइए, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। रेसिपी अंतिम तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।